بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين الصلاة والسلام على يا خاتم النبيين السلام عليكم आज मैं आपको जो हल्का कुत्ता होता है ना, हल्का वो जिसको होता है, उसके काटने की दवाई बताने वाला हूँ, या उस जैसी अलामत पाई जाए किसी मरीज में कि जैसे कुत्ते ने काटा है। सबसे पहले तो मैं इसका ये बता दूं कि भी इस दवाई का नाम है हाइड्रोफोबियम। हाइड्रो होता है पानी, फोबियम होता है खौफ, मतलब कि पानी वाली चीज़ों का खौफ, लिक्विड चीज़ों का। बहते पानी से डरता है, या वैसे कोई पानी देख ले तो उससे खौफ खाता है, तो ये समझता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तो अगर कोई बुरी खबर सुनता है तो उसका उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है। तो उसकी शहवत में तेज़ी आ जाती है, वो मरीज़ हो या मरीज़ा हो, जिसको हल्का हल्काओं वाला कुत्ता काट ले, तो उन दोनों के लिए ही है ये मतलब दवाई। तो एक मरीज़ आया मेरे पास, तो उसको ना दाई थेफ से ना दर्द उठती थी और वो फिर पेट में जाती थी, तो उसने बहुत ज़्यादा इलाज कराया, हकीमों से, दम करने वालों से, एलोपैथिक इलाज से, लेकिन उसको कोई फ़ायदा ना हुआ। मज़दूर बंदा था, ईंटों का जो भट्ठा होता है ना, वहाँ पे काम करता था। तो अब वो इतना मजबूर हो गया कि अब उसके पास पैसे ही ना कोई बचा, लेकिन पैसे तो वो खैर दूसरों से भी लेके लगा रहा होगा, लेकिन उसको बजाय फ़ायदा के ना नुकसान होता था। कभी जिस्म फूल गया, कभी सूज गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, मतलब तकलीफ उसकी बढ़ती थी, कम नहीं होती थी। तो एक बंदे ने फिर मुझसे ना गुर्दे की पथरी का इलाज करवाया था, तो वो गया उसके पास कि भी मैं उसका पता करके आऊँ। तो उसने कहा कि आओ यार, मैं आपको ना चुंगी अमर सद्दू कोट लखपत जेल के साथ, वहाँ पे मुनीर चौक में एक डॉक्टर है, उसके पास लेके जाता हूँ। मैंने उससे गुर्दे का इलाज कराया, तो हो सकता है आपको भी गुर्दे की तकलीफ़ हो। तो वो फिर उसको साथ लेके आया। जब मैंने कंप्यूटर पे उसका अलामत दर्ज की, तो वहाँ पे ना दो दवाइयाँ आईं, एक हाइड्रोफोबियम और दूसरी डलका मारा। डलका मारा का तो मरीज़ होता है ना ख़ासकर, और भी कोई अलामत हो सकती है, लेकिन उसका ज़्यादातर वो जब भीग जाता है ना बारिश में, मतलब जिस्म गर्म हो या पसीना आया हो, तो एकदम पानी से भीग जाए किसी भी तरह, तो फिर उसको इस तरह की तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो पहले ही मैंने उससे पूछा कि भाई आपको कुत्ते ने काटा कभी, तो कहने लगा कि नहीं। मैंने सोचा कि मैं इसको फिर दवाई कैसे दूँ, यह अलामत तो इसकी यही बताती है कि इसको कुत्ते ने काटा है।
मैंने कहा कि भी बात सुनो, इतनी जल्दी जवाब ना दो, सोच के बताओ। उसने कहा ये पता नहीं डॉक्टर मुझसे क्या पूछ रहा है, मैं तकलीफ कुछ है, पूछ कुछ और रहा है। कहता है हाँ ये देखें, ये मेरे हाथ पे ना कुत्ते के काटे के निशान हैं, ये तो 12 साल पहले मुझे कुत्ते ने काटा था, जो कुत्ते लड़ पड़े थे तो मैं अपने कुत्ते को चढ़ाने लगा तो उस कुत्ते के, मेरे अपने कुत्ते के मुंह में मेरा हाथ चला गया, तो ये काटा तो था। मैंने उससे कहा बस ठीक है, जो मैं पूछना चाहता था वो आपने बता दिया। तो फिर मैंने ना उसको हाइड्रोफोबियम 1 ml मतलब 1000 ताकत में मेरे पास थी, तो मैंने वो उसको दी और उसे कहा कि भी 1 हफ्ते की ये दवाई है, तो हफ्ते के बाद मुझे फिर बताना आके। वो हफ्ते के बाद ना आया, तो 3 हफ्ते के बाद वो फिर तशरीफ लाया। 3 हफ्ते के बाद मैंने उससे पूछा भाई क्या बात हुई, आप आए नहीं। कहता है डॉक्टर साहब मैं 3rd दिन मेरी वो तकलीफ ठीक हो गई थी बिल्कुल, तो घर खाने को कुछ नहीं था तो मैं फिर काम पे चला गया, तो आज मुझे ना कुछ ये तकलीफ महसूस हुई है दोबारा, तो इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। अब देखें मजदूर बंदे के पास इतना ही होता है सरमाया कि वो जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फिर ही अपना इलाज कराता है। जिन लोगों पे अल्लाह ताला ने कर्म किया हुआ है, अपनी दौलत ज़्यादा दी हुई है, दी हुई तो अल्लाह पाक की है ना, और दी भी गरीबों की वजह से है उसको, तो अगर उसको कहें कि ये गरीबों की वजह से आपको दौलत मिली है, तो वो हो सकता है गुस्सा ही खा जाए कि मैंने तो ये काम किया, मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बड़ी मैंने मेहनत की है, तो ये मेहनत भी अल्लाह ने ही आपको तौफीक दी है ना। ये बात समझने की है सबसे ज़्यादा, जो भी कोई काम बंदा करता है, जैसे वो बाग वालों का, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि बाग वालों को अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने उसको 2 बाग दिए, उसके इर्द गिर्द बाड़ लगा दी खजूरों की, तो अल्लाह ताला का ही है सारा कुछ। जो भी हम कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मजदूर बनता है, कोई कुछ भी बनता है ना, तो अल्लाह ताला ही उसको बनाता है। कहता वो यही कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं करना शुरू कर देता है, और मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह ताला ने ही किया। अगर वो मुझे तौफीक ना दे, ना मैं ये बात कर सकता हूँ, ना ये मैं बोल सकता हूँ, ना कुछ भी नहीं कर सकता, ये सारा उसकी तौफीक का है। एक वक्त तक उसने मोहलत दी है, तो उस वक़्त को कैसे गुजारना है, कैसे क्या करना है, ये भी उसने बता दिया। तो ये हाइड्रोफोबियम के मतलब मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने होम्योपैथिक के इलाज में कितनी ताकत रखी है, और अब दवाई देखें कि 1000 ताकत में तो जब जाते हैं ना, तो ये आम साइंस वाले जो कहते हैं लेबॉरेटरी वाले, वो कहते हैं कि 8 ताकत तक तो दवाई थोड़ी बहुत होती है, उसमें तो उससे आगे तो वो अल्कोहल ही होती है, उसमें तो दवाई होती नहीं। लेकिन जब अंदाज़ा लगाएं कि जब 1000 ताकत पे पहुंचेगी, तो उसमें इतनी ज़्यादा शफा हो जाती है कि कोई बंदा सोच नहीं सकता। ये है अल्लाह ताला की पावर, कि ऐसी चीज़ जो नज़र नहीं आती लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये है वो जो जैसे कहते हैं ना ईमान कि आखिरत होगी, ये आखिरत का ईमान ही है ना। आखिरत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने जन्नत दोज़ख दिखा दी, बाकी तो किसी को नहीं दिखाई। 7 आसमानों का बताया तो 7 आसमान सवाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी ने नहीं देखे। कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि फ़लाँ आसमान इस तरह का है, फ़लाँ चीज़ ये है, ये वो है, वो उसके अंदाज़े होंगे बस।
लेकिन देखी जो है ना अल्लाह ताला ने जिसको दिखाई है, देखी देखी नहीं दिखाई है, वो अपने महबूब बंदे जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात का निज़ाम बनाया, वासुबान अल्लाह करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारी सबकी जान कुर्बान उन पे, उनके अहकाम के आगे। अब मेरा ख्याल है कि मैं अब इससे ज़्यादा कोई मुश्किल हो रहा है बोलना, तो कोशिश करता हूँ। इसके जो असरात होते हैं ना हाइड्रोफोबियम के, मुंह से राल बहुत ज़्यादा बहती है और बंदा ना बार बार थूकता है, पानी देखते ही उसको ना बोलो पेशाब आने लग जाता है, पखाने की हाजत हो जाती है। अब देखें पानी को सिर्फ देखता ही है या और कोई लिक्विड चीज़ देखता है, और उस बंदे की शहवत में तेज़ी आ जाती है, और जो इरेक्शन होती है ना उसकी पुरदर्द होती है। और ये बात देखें ख़ासकर, ये वैसे एक और दवाई है ग्रेफाइट, उसमें ये है मसला कि ग्रेफाइट का जो मरीज़ होता है ना उसको अंजाल नहीं होता। अब ये जो है ना हाइड्रोफोबियम वाला कुत्ते काटे वाला मरीज़, तो इसको भी अंजाल नहीं होता, तो लेकिन उसका जो है ना इख्तलाम होता रहता है, मनी बहुत ज़्यादा खारिज होती रहती है, रहता बेचारा परेशान ही है। और औरतों के जो अज़ा हैं अज़ाए मखसूसा, वो बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं, और तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हल्का कुत्ता आ रहा हो, अब देखें क्या फरमाया, कैसी बात बता दी कि हल्के कुत्ते से बचो, क्योंकि उसके काटने से आगे इंसानियत को नुकसान होता है, कि जिसको भी वो काटेगा आगे वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो फरमाया कि भी अगर कुआं आगे आ जाए ना, हालांकि कुएं में गिर के भी तो फिर वो होता है बाज़ का, तो कि भी चलो लोग कोई तरीका करके निकाल ही लेंगे, लेकिन उसमें अगर वो सारा कुआं वर्किंग में है तो फिर तो उसमें वो होता है ना सारा निज़ाम, वो बंदा बाद में निकल सकता है। लेकिन फरमाया कि उसमें छलांग लगा दे कुत्ते से बचे, तो अल्लाह ताला से दुआ ये करनी है कि अल्लाह ताला हमें ये जो जितनी भी मूजी चीज़ें हैं इनके लिए बचाव के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाव की सारी तरीके बताए हैं, कि जैसे घर से निकलते वक्त दुआ करें बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो ये सारी मखलूक कुत्ते काटा या कोई और वैसे कुत्ता कोई दूसरा हो या सांप हो कोई भी जहरीला कोई चीज़ हो, तो उससे अल्लाह ताला आपको महफूज कर देगा, वो शैतान के दाव से महफूज कर देगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने दीन के सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। अब देखें दुआ कैसे सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया बिल आखिरत फिद दुनिया हसना वा बिल आखिरत हसना, मतलब कि देखें पहले दुनिया का कहा गया है कैसे दुआ करो, दुआ किसने सिखाई है, अल्लाह पाक ने सिखाई है, क्या अल्लाह मेरी ये दुनिया को भी बेहतर कर दे और आखिरत को भी बेहतर कर दे। तो जब अल्लाह ताला दुनिया की बेहतरी करेगा तो फिर वो उसकी, इसका मतलब है कि आप उसकी बातें मान रहे हैं, उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। तो ईमान क्या है, जैसे वो सूरह बकरा की आखिरी दो आयात के मतलब बताया गया है कि वो जो बंदा
रात को उसको पढ़ लेगा ना तो वो सारी रात उसकी खैर वाफियत वाली होगी। तो उसमें ईमान का ही बताया गया है, अल्लाह पर ईमान। जब देखें अब ना अल्लाह ताला को किसी ने देखा तो सबसे पहले ईमान ही उसका ही करना है, अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, फरिश्ते भी किसी ने नहीं देखे, जो जिन नबियों ने देखे रसूलों ने देखे उनकी बात है ना, बाकी लोगों ने तो नहीं ना देखे। और अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान कि अल्लाह ताला ने किताबें उतारी हैं, किसी बंदे ने मतलब अपने तरफ से नहीं बनाई। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है रसूलों पे ईमान कि जितने भी नबी और रसूल आए सबको मानना है, जो सारे बरहक थे अल्लाह की तरफ से थे और जो उन्होंने बताया वो भी अल्लाह की तरफ से बताया। और फिर पांचवा जो है ना वो है आखिरत पर ईमान। ये ईमान जितना भी है ना ये सारा ही खुफिया है। अब एक बंदा आगे नबूवत का ऐलान करता है, कहता है कि मैं नबी हूँ रसूल हूँ तो मुझे अल्लाह ने भेजा है, तो वो फिर कहते हैं कि ये क्या सबूत है, कैसे है, वो कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। तो ये सारा खुफिया निज़ाम है। तो ये ईमान जो है ना ये सारा टोटल का टोटल ही खुफिया है। और जो इस्लाम है तो उसमें भी नमाज ही सिर्फ वाज़े है, कलमा भी आपने पढ़ लिया तो उसका शोर तो नहीं ना मचाते कि मैं मुसलमान हूँ, नमाज से ही पता चलता है। तो अल्लाह ताला मुझको भी और आप सबको भी नमाज पढ़ने की तौफीक दे और पक्का और सच्चा ईमान हो इन चीज़ों पर जो पांच बताई हैं, अल्लाह पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, यौम आखरत पर ईमान। यौम आखरत मालिक यौमिद्दीन, यौम आखरत क्या है, मालिक यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।